हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल संजय पारसी मेटल डिटेक्टर में। दोस्तों, जो है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है H13 प्रो मेटल डिटेक्टर, जो कि सर आए हुए हैं। सर कहाँ से हैं? अयोध्या से ना? अयोध्या से आए हुए हैं सर, और सर को चाहिए H13 प्रो मेटल डिटेक्टर। तो सर को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आप चाहें तो घर बैठे मेटल डिटेक्टर मंगा सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे ऑफिस आकर के देख करके ले जा सकते हैं। तो सर, जैसे कि मैंने आपको अभी तो इसका सब कुछ आपको बताया ही, अब थोड़ा मैं आपको इसको सिखाता हूँ ग्राउंड पे, अगर आप चलाना है तो कैसे चलाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से हम मशीन को ऑन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं साइड में बटन लगा हुआ है, इस साइड डालो। तो सबसे पहले हम मशीन को यहाँ से जो है ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। और यहाँ से इसका जो है ब्राइटनेस, आप चाहो तो रात में अगर चला रहे हैं तो ब्राइटनेस ऑन कर लीजिए, ठीक है। या आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्राइटनेस ऑन करके हमेशा चलाओगे तो बैटरी ज़्यादा खाती है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि ये हमारा मोड का बटन है सर जी, ठीक है। ये है मोड, हम यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। देखिए, फील्ड वन, फील्ड टू, अगर नदी किनारे या पानी के अंदर जाना है तो ये वाला बीच हंटिंग वन है, बीच हंटिंग टू है। पहला मोड होता है पार्क का, ठीक है। खेत वगैरह हम चलाना है, घर के अंदर चलाना है तो आप खेत वन, खेत टू है, ठीक है, ये इस पर चलाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब करना क्या है, ये यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं। और ये जो प्लस माइनस का जो बटन दिख रहा है ना सर, इससे हम सेंसिटिविटी को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कैचिंग पावर होता है, अभी हम रूम के अंदर हैं तो थोड़ा सेंसिटिविटी कम ही रखेंगे, है। उसके बाद ये होता है नाल का बटन, नाल देखो छपा हुआ, जो घोड़े की नाल होती है ना, लोहा बंद करना चालू करना। देखो अभी यहाँ पे मैंने ऑन किया तो जो है ये पूरा लोहा ऑन हो गया, ठीक है। एक बार दबा देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि हमने जो है इसके जो गुटके के पॉलीथीन वगैरह होता है, कूड़े कचड़े होते हैं, उसको भी हमने बंद कर रखा है, ठीक है। अगर हमें इसको जो है चालू करना है तो चालू भी कर सकते हो, वो मैं आपको भी बता दूंगा कैसे करना है। उसके बाद ये होता है, ये इसका जो है जो किलोहर्ट्ज़ है ना फ्रिक्वेंसी, अगर आपको चेंज करनी है तो 15 तक होता है, मल्टी फ्रिक्वेंसी का है तो 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़ और 15 किलोहर्ट्ज़। अब 15 किलोहर्ट्ज़ का क्या है और 5 किलोहर्ट्ज़ का क्या है, 10 किलोहर्ट्ज़ का क्या है, कहाँ पर किस जगह आपको यूज़ करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको 5 किलोहर्ट्ज़ समझाता हूँ, ठीक है। अब 5 किलोहर्ट्ज़ पर अगर आप मशीन को चलाते हो तो बड़ी चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करेगी और ज़्यादा गहराई कवर करेगा, ठीक है। अगर आप जो है 10 किलोहर्ट्ज़ पर चलाते हो तो जैसे सिक्के वगैरह ढूंढना है, बड़ी चीज़ ढूंढनी है, तो सिक्के और बड़ी चीज़ के लिए ये बढ़िया रहता है, ठीक है। 15 किलोहर्ट्ज़ पर चलाते हैं तो जैसे ज्वेलरी वगैरह या सिक्के वगैरह ढूंढना हो तो 15 किलोहर्ट्ज़ पर चलाइए, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 10 किलोहर्ट्ज़ पर चला करके। उसके बाद अब क्या करना है, सेटिंग, हमें सेटिंग भी करनी है। तो ये सेटिंग का बटन है, इसको एक बार दबाओगे तो यहाँ पर आता है नॉइज़ कैंसिलेशन का, तो इसको दबाना होगा। सही हो गलत का निशान जो है ना, एक बार इसको दबा दीजिएगा तो ये नॉइज़ को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। जो आसपास की जो एनवायरनमेंट होती है, जो इसमें उस चीज़ को जो है उसको कैंसिल कर देता है। फिर सेटिंग का बटन दबाएंगे तो आता है ग्राउंड बैलेंस का, ठीक है। तो ये ग्राउंड बैलेंस, इसको हम बटन को दबा के रखेंगे, ऐसे कस के दबा के रखना और मशीन को ऐसे पंप करना है जब तक नंबर चेंज होता है। अगर ये नंबर जंप कर रहा है तब तक हमें पंप करना है, नंबर चेंज होना बंद हो जाए, देखो 39 पे रुक गया है ना, तो इसको जो है हम इसको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद ये है ओके का बटन, इसको ओके कर लीजिए, ठीक है। और भी अगर आगे सेटिंग करना हो तो ये आता है साउंड कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। प्लस माइनस से अपने हिसाब से जो है इसको चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है ये थ्रेशहोल्ड बोलते हैं इसको, बैकग्राउंड साउंड, मशीन का एक बैकग्राउंड साउंड होता है। ये देखो बैकग्राउंड साउंड आ गया ना, तो ये थोड़ा सा ऑफर लगता है, सही नहीं लगता साउंड, ठीक है। तो हमें जो है इसको कम ही रखो, ठीक है, 10 पे कर दो, जब आपको लगे ना कि मशीन का साउंड आ रहा है। उसके बाद फिर जो है ये ट्यूनिंग का है, आपको कितना ट्यून चाहिए, 1 से लेकर के 5 तक है, ठीक है। और भी आगे है लेकिन आपको करना नहीं, 5 तक का ही आप करिए। तो 5 तक का क्या, 5 तरीके का जो है साउंड आएगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा हो सकता है मेटल। ये होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, आपको कौन सा मेटल चालू करना है, कौन सा बंद करना है। अगर मान के चलो जो है हमें कुछ जो हमने ये मेटल्स को जो कूड़े कचड़े वगैरह जो भी हमने बंद कर रखा है ना, उसको अगर हम ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ऑन करना है तो करना क्या है, अभी देखो यहाँ पर ये लोहा वगैरह सब बंद है ना, अगर हमें ऑन करना हो, हम थोड़ा इसको जो है प्लस से लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये ऐसे दबाते चले जाइए, देखो ऑन हो रहा है ना, ये 12 16 20, देखो सब भरता जा रहा है ना सर जी। यहाँ पर भी देखो ये खाली है,
इसको भी अगर हमें भरना है उस पर जाएंगे जिसको भर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है फिर से सेटिंग का बटन दबाएंगे तो ये आता है रिकवरी स्पीड, एक से लेकर के तीन तक का रहता है, तो तीन पे ही रखिए चलेगा। उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। अब अगर जो है हम लोहे का बटन दबाएंगे तो लोहा ऑन होगा और लोहा बंद होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे गुटखे का पाउच है और लोहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पर लोहा रख देता हूँ, ठीक है, ये लोहा है। अभी क्या है कि हमने लोहे को बंद कर रखा है, ठीक है, अब ये इसको भी जा रहा है, इसको भी कैच कर रहा है, ठीक है, अभी माइनस पे जा रहा है क्योंकि अभी ये माइनस ऑन है। तो हमें जो है इसको अगर बंद करना है, ये इस पे जाइए, ठीक है सर, और ये देखो पॉइंट हमारा आगे आ रहा है ना, ये इसको यहाँ से थोड़ा और बंद कर दीजिए, ठीक है, चार तक का हमने बंद कर दिया, उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। अब नहीं बता रहा ना, है ना, अगर मैं लोहा ऑन करूँगा, ऑन हो गया लोहा, ठीक है, ये ऐसे करता हूँ ना, लोहे का साउंड आता है लेकिन बहुत स्लो साउंड आता है ना, वो जो थोड़ा साउंड इसका कम रहता है, फेरस का साउंड। अगर यहीं पर जो है मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है, ये बता रहा है ना इसको, अगर हमें लोहा बंद करना है तो हम लोहा बंद कर देंगे, ये लोहा नहीं बता रहा है, लेकिन ये तो लोहा नहीं है, सिल्वर फॉयल है, इसको मशीन बता रहा है, इसका 13-14 सिग्नल आ रहा है, 15 तक है ना, तो आपको करना क्या है कि 15 तक इसको बंद कर दीजिए, हैं। अब हमें बंद कहाँ से करना है, उसे सेटिंग का बटन दबाइए और इस पर आ जाइए, हैं। इस पर आने के बाद जो है हमें करना क्या है, ऐसे जो है दबाते चले जाइए, प्लस का बटन बढ़ाते, यहाँ तक का जो है आप आधा खाली कर दीजिए, हैं, थोड़े यहाँ तक का कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, वहाँ जा रही है, इसको कैच कर दीजिए। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अगर ज़्यादा आगे पीछे खींचूँगा तो अलमारी और ये सब कैच कर दिए हैं, अगर मैं यहीं पर इसको करूँगा तो प्रॉपर साउंड नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इसको कर देता हूँ, अगर बंद करना चाहो तो हमें सेटिंग का बटन दबाइए, ये इस पे आ जाइए, ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद हो गया है, ओके बटन दबा दीजिए, ठीक है, हाँ, यहाँ से जो है इसको कर सकते हो, लोहा भी बंद हो गया। कुछ अलग धातु जैसे मैं लगाता हूँ तो उसका साउंड कैसे आएगा वो देख लीजिए, जैसे ये है, ये है ना, इसको मैं हटा देता हूँ तो जो है ये गुटखे का पाउच वगैरह जो है बंद है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा, ये सही साउंड है, ठीक है सर, इसको सही साउंड बोलते हैं। अगर हमें बंद करना है, यहीं से जो है आप इसको कर लीजिए, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा तो आलमारी है उसको कैच कर रही है, देखो वो देखो, ये ध्यान रखिएगा कमरे के अंदर अगर चला रहे हो तो आसपास कोई मेटल ना हो, मेटल को साइड कर दीजिएगा तभी जो है सही रहेगा, ठीक है। इतना ही सेटिंग करना है सर, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इसको इसके बाद जो है अगर पिन पॉइंट करना हो, पिन पॉइंट इसको दबा दीजिएगा, तो जब पिन पॉइंट करोगे तो ये ऑल मेटल मोड हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी रहेगा ये, ठीक है, तो उसको जो है एग्जिट पिन पॉइंट लोकेट करेगा कि कहाँ पर था, ये ध्यान रखिए कभी भी जो है मेटल को, जैसे मान लो हमें ये मेटल मिल गया जमीन में, ठीक है, अब हम इसी के ऊपर जा करके जो है इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, अब इसको बताना बंद कर देगा, देखो, ठीक है, इससे नज़दीक ज़्यादा जाएंगे तो अभी नहीं बताएगा, मेटल को ऑब्जर्व कर लिया। ये ध्यान रखिएगा कि जो है पिन पॉइंट का बटन दबा रहे हो तो मेटल से हट करके दबाइए, ऐसे दबा दिए अब मेटल पे ले करके जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर मेटल के ऊपर पिन पॉइंट दबा दोगे तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा फिर बताएगा नहीं, तो मेटल के ऊपर मत करिएगा, ठीक है सर जी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मेटल कहीं पर रहेगा साउंड इसी तरह आएगा, तो इसी से जो है आपको आइडिया लगेगा, ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
बस इतना ही सेटिंग है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है सर जी। उसके बाद जो है इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इसका जो फीचर फंक्शन है समझ आ गया होगा, कैसे आपको कौन सा मेटल बंद करना है, कौन सा चालू करना है। तो अगर आप लोग भी जो है प्लान कर रहे हैं गोल्ड मेटल डिटेक्टर खरीदने के लिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। तो चलता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।